नमस्कार, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और आइए विस्तार से आज की बड़ी सुर्खियों पर नजर डालते हैं। शहीद मेले में हुआ मतदाता जागरूकता अभियान। जी हां, मैनपुरी के बेवर में शहीद मेले में समाज सेवा नवयुग संस्थान के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूर क्षेत्र में विद्यालयों के लगभग 7,000 छात्र छात्राओं ने हाथों में बैनर तथा पट्टिका लेकर गगनभेदी नारे लगाते हुए एक विशाल अलग अलग वेशभूषाओं में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं के समूह रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए बगीचे की तरह प्रतीत हो रहे थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदीप कुमार जिलाधिकारी, अजय शंकर पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिथि के रूप में पीसीआर उप जिलाधिकारी अनिल कुमार तहसीलदार भूगांव, श्याम बच्चन सरोज अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। मैनपुरी से हमारे संवाददाता मोहित तिवारी की रिपोर्ट। जी हां, झारखंड में सदर विधायक मनीष जायसवाल दारू प्रखंड क्षेत्र स्थित झुमरा पहुंचे और झुमरा बाजार में बैठक कर लोगों की स्थानीय समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जमीन विवाद की जानकारी देते हुए झुमरा बस्ती में खाता संख्या 3 के रकवा 21.29 डिसमिल जमीन को झुमरा जिनका रामदेव खरिका जोनिया के ग्रामीणों द्वारा कामाख्या नारायण सिंह से 1961 में लगभग 54 रैतों ने केवाला से खरीदगी किया था। इस विवाद को लेकर झुमरा के लोगों ने विधायक श्री जायसवाल से निपटारे में सहयोग हेतु गुहार लगाई। विधायक ने ग्रामीणों को तुरंत मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है। झारखंड से हमारे संवाददाता लालदेव कुमार सिंह की रिपोर्ट। किया पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास। जी हां, झारखंड में सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कटकमदाग प्रखंड स्थित शिला पट्ट का अनावरण कर बानादाग से फतहा तक पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा करीब 6 करोड़ की लागत से कुल 10 किलोमीटर इस पथ का निर्माण होना है। सदर विधायक के यहां पहुंचते स्थानीय ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने एक स्वर में विधायक श्री जायसवाल को अवगत कराया कि इस पथ के निर्माण होने से लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा और सड़क के बीच ही बिजली के पोल होने से परेशानी होगी। झारखंड से हमारे संवाददाता लालदेव कुमार सिंह की। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का जो सड़क बनता है वो 10 फीट चौड़ा बनता है, तो ये विशेष योजना के तहत इसको पास करवाया गया था जिसमें ये 18 फीट का वो सड़क है और इसमें जो GSB डालना है, मतलब बेस कोड जो डालना है वो 8 इंच का डालना है। मतलब हुआ कि जो हाईवे ग्रेड का रोड जो बनता है, ये जो ग्रेड है रोड का, इस हाईवे ग्रेड का रोड को ये बनाने का इसमें प्रोविज़न है। उसके ऊपर से जो बिटामिन का लेयर पड़ेगा वो 50 mm का पहला लेयर पड़ेगा और दूसरा लेयर जो फिनिशिंग कोट होगा वो 25 mm का पड़ेगा, मतलब 8 इंची और 3 इंची 11 इंची का ये टोटल रोड बनना है। पहले ये 2 फेज में बनने वाला है, एक तो यहाँ से लेकर के आपका जहाँ तक गाड़ी चलता है, हाईवा जहाँ तक चलता है वहाँ तक, फिर हाईवा जितना दूर चलता है वो छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद कुसुम्बा मोड़ से लेकर के ये जो कन्वेयर बेल्ट है तो जहाँ से हाईवा आता है वहाँ तक, इसके बीच का जिस पर हाईवा चलता है उसका काम भी इसी मद से होना है, लेकिन उसका पैसा NTPC को देना है, इसलिए वर्तमान में वो काम अभी स्थगित है, लेकिन इस रोड के बनते बनते तक वो भी सड़क बन जाने का उम्मीद है। पहले इसमें रोड में नाली का प्रोविज़न नहीं था, लेकिन आपका समस्या जो है कि सड़क ऊंचा हो जाएगा, विभाग का ये समस्या अगर ये सड़क को उठाएगा तो उसको फिर से नीचे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वो एक विभाग के लिए समस्या है, और अगर ऊपर बनेगा तो आपका घर डूबेगा, ये भी समस्या है। तो बीच का जो रास्ता है यही है कि नाली भी बने, जितना दूर तक गांव है घर है उतने दूर तक इसमें नाली का प्रोविज़न किया जाए, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे ताकि दोनों तरफ से जितना दूर जहाँ जहाँ गाँव पड़ता है वहाँ पर दोनों तरफ से नाली का निर्माण हो, ताकि आपका नाली बन जाएगा तो आपका ये उसमें ख़त्म हो जाएगा। सड़क तो चौड़ा बनने से
सड़क को मजबूत बनने से एक चीज़ का जो फ़ायदा आपको होगा, ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, वो ये है कि आपके ज़मीन जायदाद का, जिनका भी ज़मीन है इस रोड पर, उसका दाम बढ़ जाता है। आज आप कदमा रामनगर में देखिए, सिंदूर सियारी मेरावल में देखिए, जहाँ पर भी पहले ग्रामीण सड़क था, वहाँ पर जैसे ही ये हाईवे ग्रेड का सड़क बना, वहाँ के ज़मीन का कीमत दुगना तिगना हो गया, इसलिए कि पहुँच आदमी को पहुँचने का जगह वहाँ पर बन जाता है। और जैसे आप ग्रामीण परिवेश से निकल करके थोड़ा भी शहरी परिवेश में आते हैं, थोड़ा आपके रोड का हालात अच्छा हो जाता है, बिजली का हालात अच्छा हो जाता है, तो लोग, बाहर के लोग भी आपके यहाँ आते हैं। 26 जनवरी पर कार्यक्रम, जी हाँ, वाराणसी के चुनार में माँ वैष्णो पब्लिक स्कूल विदापुर में 26 जनवरी के उपलक्ष पर मिर्जापुर के वकील देवी प्रसाद पांडे और ओमकार पांडे बीडीसी आदि सम्मानित लोगों द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। वाराणसी से हमारे संवाददाता रविन्द्रनाथ शुक्ला की है। आज न्यूज इंडिया से रविन्द्रनाथ। आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में माँ वैष्णो पब्लिक स्कूल के कार्यक्रम में हमारे गेस्ट देवी प्रसाद पांडे, जो कि मिर्जापुर के एडवोकेट, आज उनसे कुछ हम पूछेंगे कि यह पर्व कैसे और क्यों मनाया जाता है। सर, ये पर्व क्यों और कैसे मनाया जाता है, बच्चों को कुछ बताएंगे। ये पर्व हमारे देश, हमारे पूरे राष्ट्र के लिए एक गौरव का दिन है। आज हमारे भारत का संविधान बनाया गया, जो स्वतंत्र होने के बाद हम अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन यापन करने के लिए, पूरे राष्ट्र का संचालन करने के लिए एक सरकार बनाई। और आज के दिन हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने जो बलिदान किया, उसका हमें अच्छा फल प्राप्त हुआ, जो हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। तो सर, कैसा लग रहा है आज के दिन? तो हर भारतीय को, जो भी भारतीय हैं, जो भारत माता से प्रेम करते हैं, भारत में जन्म लिए हैं, उनको अत्यधिक आनंददायी मौसम, चाहे जैसा भी हो। आज देखिए चारों तरफ बादल है, बारिश हो रही है, लेकिन उल्लास और उत्साह में कोई कमी नहीं है पूरे देश में। चारों तरफ बच्चे, बूढ़े, जवान आनंद ले रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज के नीचे उल्लास मना रहे हैं। तो धन्यवाद सर, समय देने के लिए और इस राष्ट्र पर्व को। आपको कैसा लग रहा है? जवाहरलाल यादव का नाम है, कितने खुशी में है। ये हमारे सब गेस्ट हैं और मुख्य अतिथि हैं गांव के। आपको कैसा लग रहा है आज का दिन? बहुत अच्छा करने की बात क्या है, कि 26 जनवरी 15 अगस्त बच्चों के रग रग में उत्साह आ जाता है, और जो आए हैं वो भी बड़े प्रसन्न हैं। आपको कैसा लग रहा है आज का दिन? भारत के हर बच्चे, बूढ़े, जवान सबको गर्व करना चाहिए, और ये जो प्रांगण में आए हैं, ये देख करके एक माहौल की उत्साह से भरे हुए हैं बच्चे, जो भी हैं सब अपने अपने स्थान पर इस प्रोग्राम को देखने के लिए उत्साहित हैं। आपको कैसा लगा रहा है? हमारे देश के वीरों का, जिसने बलिदान दिया है देश को स्वतंत्र कराने में, उनका याद आता है, और उनके विषय में लोग सोच करके अपने आप को देश की तरफ समर्थन बना चाहते हैं। किसी प्रकार से भारतवर्ष की आन मान शान मर्यादा विश्व में भारत का नाम। थैंक यू आप लोग के लिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। किया गया मतदान के प्रति जागरूक, जी हाँ, बाराबंकी में सिरौली गौसपुर में डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी व डॉक्टर दिनेश के मौजूदगी में सभी छात्रों और छात्राओं को मतदान के प्रति शपथ दिलाने के बाद सीता देवी महाविद्यालय धाम बरोलिया से चलकर ग्राम मोदीपुर, मदारपुर, सोनपुर गांव से होकर मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। बाराबंकी से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले हो खबरों का सिलसिला आगे फास्ट न्यूज इंडिया पर ऐसे ही बना रहेगा। तब तक के लिए आप भी बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ।